दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने का आरोप लगाने वाले उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने कहा कि मरने से उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अब शुरू हुई है। अफजाल ने कहा कि शव को इस तरह से दफनाया गया है कि 5-10 साल बाद भी उसे परीक्षण के लिए निकाला जाएगा तो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उसके साथ अन्याय की पराकाष्ठा हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को नहीं माना गया है। आईसीयू से सीधा किसी को कभी घर नहीं भेजा जाता, वार्ड में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है, लेकिन मुख्तार को आईसीयू से निकालकर सीधे जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को जेल में हालत बिगड़ने पर मुख्तार अंसारी को बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। यहां कुछ घंटे तक आईसीयू में इलाज के बाद जेल भेज दिया गया। इसके अगले दिन दोबारा तबीयत बिगड़ी थी, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज किया। तीसरे दिन हालत इतनी बिगड़ी कि मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की बात कही। मीडिया से बात करते हुए अफजाल ने कहा कि मरने से कुछ घंटे पहले मुख्तार अंसारी की अपने बेटे उमर अंसारी और बहू निकहत से बात हुई थी। कहा कि बातचीत का ऑडियो हर जगह वायरल हो रहा है, उसे सुनिए। मुख्तार साहब कह रहा है कि 10 दिन से ना पेशाब हो रहा है ना मोशन हुआ है, वह खुद से उठ बैठ भी नहीं पा रहा है। आईसीयू से निकाल कर सीधे जेल भेजने वाला डॉक्टर कह देता है कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, अगर ठीक थी तो 24 घंटे बाद ही वह कैसे मर गया। दोस्तों अफजाल ने कहा कि मुख्तार अंसारी का प्लांड मर्डर हुआ है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, जेल के डॉक्टर, जेल प्रशासन, सरकार की तरफ से सादी वर्दी में घूमने वाले LIU और STF के लोगों ने पूरी योजना के साथ उसकी हत्या की है। दोस्तों उसका बिस्तरा भी सुरक्षित किया गया है, हार्ट अटैक की बातें कही जा रही हैं, दिल भी जांच के लिए लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति 10 दिन से पेशाब और मोशन नहीं कर पा रहा है, खुद से उठ बैठ भी नहीं पा रहा है, क्या इस तरह की परिस्थितियां बना देना हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों और भी ऐसी बहुत सी बातें अफजाल अंसारी ने कही। दोस्तों अफजाल अंसारी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि उसकी बॉडी को इस तरह दफनाया गया है कि 5-10 साल बाद भी परीक्षण के लिए कब्र से निकाला जाएगा तो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। मुख्तार की कहानी खत्म नहीं हुई है, अब शुरू हुई है। जेल में बंद करने के बाद उसके खिलाफ 50 मुकदमे लिखे गए, यह अन्याय की पराकाष्ठा है। दोस्तों अफजाल ने कहा कि किसी की औकात की पहचान उसकी अंतिम यात्रा से होती है, उसकी अंतिम यात्रा में लोग शामिल ना हो सके इसका पूरा इंतजाम अफसरों ने किया। गाजीपुर के आसपास के जिलों में अधिकारियों ने दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया, इसके बावजूद परिणाम यह रहा कि हुजूम का हुजूम उसके जनाते में शामिल होने के लिए आया। अधिकारी यह सब देखकर पागल हो गए थे। तो दोस्तों इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और धमकी भी दिए। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। आगे की जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।